डिक्टेशन स्टार्ट होगा पांच सेकंड बाद स्टार्ट स्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए कराई जा रही राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट में नकल और धांधली की खबरें चिंता करने वाली हैं चिंता इस बात की भी कि परीक्षा तंत्र में सेंध लगाते हुए नकल गिरो है न केवल पर्चे आउट करा रहे हैं बल्कि मूल की जगह किसी अन्य परीक्षार्थी यानी एवजी को भी बैठाने की जरूरत कर रहे हैं जयपुर से नीट 2021 का पर्चा आउट होने की तो पुलिस ने पुष्टि भी कर दी है यूपी में ऐसी ही एवज छात्रा गिरफ्तार हुई तो पुलिस को जानकारी मिली कि गिरोह के तार बिहार से जुड़े हैं जयपुर में नीट का पर्चा लीक होने की प्रारंभिक जांच में कोचिंग इंस्टीट्यूट से जुड़े लोगों की मिली भगत की जानकारी तो और भी चौंकाने वाली है जाहिर है कि समूची परीक्षा प्रक्रिया में ही इतनी खामियां है कि जिसे जहां मौका मिलता है वहीं सिस्टम में सेंध लगाने से नहीं चूकता गंभीर सवाल यह भी है कि पर्चा लीक कराने और एवजी परीक्षार्थियों को इस प्रतिष्ठित परीक्षा में बैठाने वाले गिरोह से जुड़े लोग परीक्षार्थियों व उनके अभिभावकों से लाखों रुपए एंट रहे हैं पिछले कुछ सालों से मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश की प्रक्रिया में धांधली की शिकायतें लगातार आ रही हैं इस तरह की परीक्षाओं में कोई गड़बड़ी न हो इसके लिए तमाम कानून कायदों के साथ परीक्षा कक्ष में दाखिले से पहले परीक्षार्थियों की तलाशी भी ली जाती है इस बार भी कई वस्तुओं व उपकरणों को परीक्षा देते वक्त साथ रखने को प्रतिबंधित किया गया था जिनमें मोबाइल ब्लूटूथ ईयरफोन माइक्रोचिप आदि शामिल थे इसके बावजूद पेपर लीक हो जाना बताता है कि नकल गिरोह से जुड़े लोग सिस्टम से दो कदम आगे बढ़ रहे हैं न केवल नीट बल्कि किसी भी अन्य पाठ्यक्रम के लिए प्रवेश परीक्षा हो या फिर नौकरी में भर्ती की परीक्षा पर्चे आउट होने या नकल कराने की खबरें उन प्रतियोगिताओं का विश्वास तोड़ने वाली है जो इनके लिए कड़ी मेहनत करते हैं नीट के साथ ही राजस्थान में पुलिस उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा में भी नकल गिरोह पकड़ा गया है जाहिर है कि विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश परीक्षाएं ही नहीं बल्कि नौकरियों की भर्ती परीक्षाओं में भी नकल गिरोह का जाल अपनी करतूतों को बेकौफ होकर अंजाम दे रहा है पात्र लोग वंचित हो रहे हैं भला परीक्षाओं में धांधली की सजा छात्रों को क्यों कोचिंग संस्थानों की मिली भगत की शिकायतें बता रही हैं कि लूट खसोट में कोई पीछे नहीं है परीक्षाओं की गोपनीयता बनाए रखने के ठोस प्रयासों के साथ इनकी पवित्रता नष्ट करने वालों को सख्त से सख्त सजा का प्रावधान भी करना ही होगा थोक महंगाई का लगातार बढ़ना बता रहा है कि फिलहाल महंगाई से राहत नहीं मिलने वाली राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एन की ओर से मंगलवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक इस बार थोक महंगाई ग्यारह पॉइंट उनचालीस फीसद रही पिछले महीने यह ग्यारह पॉइंट सोलह फीसद थी चिंता की बात ज्यादा इसलिए है कि यह लगातार पांचवा महीना है जब थोक महंगाई दो अंकों में बनी हुई है इससे पहले सोमवार को खुदरा महंगाई के आंकड़े भी आए कुदरा महंगाई पाँच पॉइंट तीन फीसद रही जो जुलाई में पाँच पॉइंट उनसठ फीसद रही थी मामूली सी इस कमी से खुश नहीं हुआ जा सकता थोक महंगाई में बढ़ोतरी को भी मामूली मानकर नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कुछ दशमलव महंगाई का बढ़ना भी आम आदमी की जेब पर भारी असर डाल देता है महंगाई चाहे थोक हो या खुदरा है तो महंगाई ही और पैसा आम आदमी की जेब से ही निकलता है थोक महंगाई बढ़ने के पीछे कारण गैर खाद्य वस्तुओं कच्चे तेल पेट्रोल व डीजल प्राकृतिक गैस धातुओं उत्पादों तथा खाद्य उत्पादों कपड़े रसायनों और रासायनिक उत्पादों के दाम बढ़ना बताया गया है यानी सब कुछ महंगा हुआ है इसमें कोई संदेह नहीं कि महामारी की वजह से पिछले डेढ़ साल में बिजली कोयला पेट्रोलियम व गैस सीमेंट खनन जैसे अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों तक में उत्पादन पर भारी असर पड़ा बड़े कारखानों से लेकर छोटे उद्योगों तक की हालत खराब हो गई, मांग-आपूर्ति चक्र टूट गया आबादी के बड़े हिस्से के पास पैसे और रोजगार का संकट खड़ा हो गया अब जब पिछले कुछ महीनों से सब कुछ पटरी पर आने का दावा किया जा रहा है तो महंगाई पीड़ा पीछा नहीं छोड़ रही उद्योगों ने उत्पादन की लागत बढ़ा दी है इसके पीछे तर्क कच्चे माल की कमी कोयले और बिजली के दाम बढ़ने का दिया जा रहा है फिर पेट्रोल और डीजल के लगातार बढ़ते दामों ने महंगाई बढ़ाने में बड़ी कोई कसर नहीं छोड़ी। रसोई गैस लगातार महंगी हो रही है। खाद्य तेलों के दाम पिछले एक साल में साठ फीसद से भी ऊपर चले गए हैं बात खुदरा महंगाई की हो या थोक की इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि पेट्रोल और डीजल की लगातार बढ़ते दामों ने आग में घी का काम किया है इनकी महंगा होने से पहला असर माल धुलाई पर पड़ता है धुलाई महंगी होते ही लागत बढ़ती है जब तैयार माल कारखानों से थोक विक्रेताओं के पास आता है तो महंगाई बढ़ती है थोक विक्रेताओं से जब खुदरा विक्रेताओं और उपभोक्ताओं तक पहुंचता है तो खुदरा महंगाई बढ़ना भी लाजिमी है सवाल यह है जनता को महंगाई से निजात दिलाने का बेहतर विकल्प क्या पेट्रोल और डीजल पर वसूले जाने वाले शुल्क में कटौती नहीं हो सकती थी लेकिन केंद्र और राज्य सरकारों को यह तरीका रास इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि उन्हें जनता के बजाय अपना खजाना भरने की चिंता ज्यादा दिखती है दरअसल सरकारें अच्छी तरह समझती हैं कि दाम चार कितने ही क्यों ने बढ़ा दिए जाए खाने पीने और रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजें खरीदना लोगों की मजबूरी है महंगाई को लेकर रिजर्व बैंक भी समय समय पर चिंता जताता रहा है कहने को बीते दो महीनों में खुदरा महंगाई रिजर्व बैंक के दो से छह फीसद के दायरे में आ गई है लेकिन व्यावसायिक धरातल पर देखें तो लोगों की जेब से पैसा तीन पहले जैसा ही निकल रहा है थोक महंगाई का रुख ऊपर जाने वाला ही बना हुआ है ऐसे में आम आदमी के लिए आने वाले दिन और मुश्किलों भरे ही होंगे समाप्त